रामायण कथा के एक अंश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एहसास क्या होता है। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये कहानी हम सबके लिए। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण एवं सीता मैया चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे तो रास्ते में पथरीले एवं कटीले कांटे पड़े हुए थे, तो कुछ कांटे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में चुभ गए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ पर ना ही रुष्ट हुए ना ही वहाँ पर क्रोधित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर धरती माता से विनती करी एवं निवेदन किया एवं कहा कि हे धरती माता, मेरा एक छोटा सा निवेदन स्वीकार करेंगी। धरती माता बोले, प्रभु प्रार्थना नहीं, आप तो आज्ञा दीजिए। तो प्रभु बोले, हे धरती माता, बस मेरी आपसे यही विनती है कि जब भरत मेरी इस पथ पर खोज करने आए तो आप नरम हो जाना, अपने आचरण में फतरे कांटे समेट लेना। आपने मेरे पैरों को आघात किया तो किया, लेकिन मेरे भरत के पैरों को आघात मत करना। श्री राम को ये वक्त देखकर धरा दंग रह गए। पूछा, भगवान दृष्टा क्षमा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार है? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत सहन नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेके आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों? श्री रामचंद्र जी बोले कि नहीं नहीं माते, आपने मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझा। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पाँव को नहीं उसके हृदय को आघात कर देगा। हृदय आघात, ऐसा क्यों प्रभु? धरती माता जिज्ञासे भरे स्वर में बोली, अपनी पीड़ा से नहीं बल्कि ये सोचकर कि इसी कटीली राह पर मेरे भैया राम गुजरे होंगे, ये सूर उनके पगों में भी चुभे होंगे। श्री रामचंद्र जी धरती माता से कहते हैं कि मैया, मेरा भार तो कल्पना से भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल की पंखुड़ी सी बन जाना। अर्थात रिश्ते अंदरूनी एहसास आत्मीयता अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहाँ गहरी आत्मीयता नहीं वहाँ रिश्ता शायद नहीं परंतु दिखावा हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं, बल्कि सिर्फ सिर्फ आत्मीयता एहसास से ही बनते हैं और निर्भर किए जाते हैं। जहाँ एहसास नहीं, आत्मीयता नहीं, तो वहाँ अपनापन कहाँ से आए?